हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रुचि ब्लॉग एंड टिप्स एंड कैसे हो आप सभी। तो आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आज है बहुरा चौथ की पूजा और बहुरा चौथ का पूरा रिचुअल्स क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जैसे बहुत सी जगह भाइयों के लिए रखते हैं और बहुत सी जगह बेटों के लिए। मेरे ससुराल में बेटे के लिए रखा जाता है लेकिन मायके साइड भाई के लिए रखा जाता है। तो उधर कुमारी लड़कियां भी रहती हैं, इधर कुमारी लड़कियां नहीं रहती, इधर सिर्फ शादीशुदा और जिनके बेटे होते हैं वो औरतें रहती हैं। तो उसका आज हम लोग व्रत कर रहे हैं क्योंकि मेरा ज्ञानू है और मैं ज्ञानू के लिए व्रत कर रही हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो सीगुर वाले अनाज होते हैं जैसे गेहूँ और चावल, तो ये और गुजई हो गया और बहुत सारी चीज़ें जिसमें मतलब थोड़ा सा सीगुर टाइप का निकला होता है वो चीज़ें नहीं खानी होती हैं, बाकी सारी चीज़ें खा सकते हो। चना हो गया, मूंग हो गया, कोई भी चीज़ हो गया। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हो ना तो ऐसा व्रत बहुत ही भाग्य से मिलता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस टाइम पे सारी मतलब सारे वो वाले अनाज खाऊंगी जो मल्टीग्रेन टाइप के होते हैं उस टाइप के। तो क्या क्या खाऊंगी, कैसे होती है पूरी पूजा, क्या होती है पूरी तैयारी, आज की वीडियो में आपको शेयर करने वाली हूँ। तो चलो भाई चलते हैं और दिखाती हूँ सारी चीज़ें। तो हमारे घर में कोई भी पूजा हो, कोई भी कुछ भी, मतलब अगर कोई शुभ ओकेजन होता है, बर्थडे हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें ये कलर लगाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। और आलता होता है जो थोड़ा सा येलो और रेड का कॉम्बिनेशन होता है, बट हमारे यहाँ ये पिंक वाला कलर चलता है। तो ये जब ताज़ा ताज़ा लगाते हैं ना तो ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब ये एक दो दिन पुराना हो जाता है तब इतना सुंदर लगता है, मतलब हल्का बेबी पिंक कलर का होता है। और जब बेबी पिंक होता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो सारी चीज़ें कलर वगैरह लगा के मैंने अपना पूरा 16 श्रृंगार कर लिया और उसके बाद फिर आ गई मैं पूजा करने। तो पूजा करने के लिए देखो कुछ ऐसा बनाया गया है, इसमें 7 गाय बनाई जाती है, मतलब एक गाय होती है, 6 उसके बच्चे होते हैं और एक होता है बाघ, मतलब जैसा शेर जैसा कुछ होता है। फिर सारी पूजा की प्रिपरेशंस करी जाती है और सारी पूजा स्टार्ट की जाती है। तो इसमें कलश रखा जाता है हमारे यहाँ, आपके यहाँ कलश रखते हैं नहीं मुझे है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो बहुरा चौथ 2 दिन आगे होती है, जब हलछट का व्रत रखते हैं तो उसके 2 दिन आगे करते हैं। और बहुत सी जगह इस व्रत को बहनें करती हैं भाइयों के लिए, लेकिन हमारे घर में इसको बेटे के लिए किया जाता है। तो जिनके बच्चे होते हैं वो करते हैं ये व्रत, स्पेशली बेटे, बेटियों के लिए नहीं करते हैं क्योंकि कोई भी व्रत बेटियों के लिए नहीं बना होगा शायद, तो पता नहीं बना है कि नहीं बना है, लेकिन मैंने नहीं सुना है कि बेटियों के लिए, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए कोई भी व्रत हो। तो ये देखो कुछ ऐसा बनाया गया था और पूजा के बाद कुछ ऐसा ये लग रहा है। तो हम लोगों ने अभी सारी पूजा अर्चना कर ली है, मतलब अभी सारी पूजा हुई नहीं है, मतलब स्टार्ट हो गई है। तो घी गुड़ का भोग लगाया जाता है और ये गुड़ और चना भून के रखे जाते हैं, तो उनको खुद हम लोग खाते हैं। और भुने हुए चना और गेहूं और गुड़ इसका भोग लगता है जो कि हम सभी को बांटते हैं। तो फिर ये सारी और कथा होती हैं, तो जैसे चौथ है तो चौथ में 4 कहानियाँ होती हैं और जो हलछट होता है तो उसमें 6 कहानियाँ होती हैं, 4 यही चौथ वाली और 2 अलग से होती हैं, तो वो होती हैं। और ये रहा कुछ मेरा जिसको मुझे खा के पानी पीना है, तो मुझे गुड़ से चने वैसे भी बहुत पसंद है और इस दिन व्रत था तो और भी मज़े आ गए। और अगर ऐसा व्रत करना पड़े ना मुझे कि इसमें मेरा वेट लॉस भी हो जाए और हेल्दी हेल्दी खाने को मिले ना, तो ऐसा व्रत तो मैं रोज़ करूँ, मुझे बहुत पसंद आता है। तो देखो ये सारा पूजा होने के बाद फिर मैंने अपना जो सुहाग लेना होता है उसको लिया और फिर भगवान के पैर छुए, मम्मी वगैरह मम्मी के और सबके पैर छुए। तो भगवान के पैर छूने के बाद मम्मी के पैर छूते, मम्मी भी अपने जो उनसे बड़ी हैं जैसे जेठानी वगैरह उनके मम्मी भी पैर छूती हैं। और पैर छूने के बाद फिर मैं आ गई तो मम्मी ने बोला था कि कुछ बना दो, तो इसमें चने हम लोगों ने रात ही में भिगो के रख दिए थे। तो बस सिंपल सा बिल्कुल रेसिपी होती है इसकी, इसमें कुछ भी तामझाम नहीं होता है, लहसुन और मिर्च से छौंक देते हैं। तो हाँ,
व्रत के दिन लहसुन और प्याज नहीं बनाया जाता, लेकिन ये वाला व्रत ऐसा है कि हमारे घर में लहसुन भी बनता है और प्याज भी पड़ता है सारी चीज़ों में। तो पता नहीं, मतलब उस दिन मुझे मेरी दीदी मना कर रही थी कि व्रत के दिन मत लगाया मत डाला करो, लेकिन अब हमारे घर में ना जैसा मम्मी कर रही हैं, मम्मी को करते हुए मिश्रा जी जितने साल के हैं उतने दिन हो गए, तो मम्मी कर रही हैं तो मैं भी वैसे ही फॉलो कर रही हूँ। 9 साल तो मुझे भी हो गया ये वाला व्रत करते करते, तो इसलिए जैसा करते हैं बस वैसा ही करते चले आ रहे हैं। और मम्मी ने बड़ा ही अच्छा बनाया था कुछ आम की गुठलियों का, तो उसको भी मैंने खाया, वो खट्टा खट्टा सा और काफ़ी मिर्च मसाले वाला, मतलब बड़ा ही टेस्टी था। फिर ये जब बनके तैयार हो गया तो इसमें मैंने धनिया डाल दिया, और धनिया डालने के बाद इसमें मैंने ऊपर से कुछ चीज़ें और डाली थी, जैसे वो क्या बोलते हैं नींबू, और नींबू के साथ साथ थोड़ा सा प्याज डाला था, तो इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो गया था। और चाय के साथ मज़े कर लिए, तो मैंने खाया, ज्ञानू ने खाया और मम्मी ने खाया। मिश्रा जी थे नहीं तो मिश्रा जी का हिस्सा रख दिया गया, अब वो जब आएंगे तो वो खा लेंगे, या फिर अगर हम मुझे या मम्मी को भूख लगी बीच में तो हम दोनों खा लेंगे, फिर उनके लिए नहीं बचाया जाएगा। तो ये वाला पूजा पूरा होने के बाद फिर हलछठ व्रत की भी मैं इसी में थोड़ी सी वीडियो शेयर कर दूंगी आप लोगों को, थोड़ा सा दिखा दूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं बनाई थी तो इसलिए अलग अलग वीडियो बनाने का मन नहीं किया था मेरा, तो मैंने एक ही में कर दिया। तो देखो सबसे पहले यहाँ गेहूं ऐसे डाल देते हैं और फिर कलश रखते हैं और ये कुछ ऐसा बना देते हैं, तो ये हल्दी का बनता है और ये पूरा आंगन तक जाता है। फिर यहाँ पे ऐसे कुछ तालाब टाइप का बना देते हैं और सारी चीज़ें रख देते हैं। तो ये है पूरी पूजा की तैयारी, तो मैं आपको ये पूजा की तैयारी दिखा रही हूँ जिससे कि अगर आप नेक्स्ट ईयर करो ना तो आपको ईजी हो जाए, और ये वीडियो जब भी आपके पास आए तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले इससे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्प करे थोड़ा सा भी ना तो लाइक कर देना वीडियो को, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग लाइक करोगे तो लाइक कर देना, और अगर आप चाहो तो किसी के साथ शेयर करना तो शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बिल्कुल भी इधर उधर की चीज़ें नहीं शेयर की हैं, मैंने सिर्फ काम काम की चीज़ें ही शेयर की हैं। तो सबसे पहले सिंदूर और सबसे पहले जल छिड़क दिया जाता है माता रानी पे, फिर उसके बाद घी गुड़ का भोग लगाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है, और ये उसके बाद फिर ये जो ऐपन बनाया जाता है, ऐपन मतलब कि इसमें चावल का आटा होता है जो फसाड़ी के चावल होते हैं उसका, और इसमें हल्दी मिला दी जाती है, पतला सा घोल बनाते हैं और इसके 6 हाथ के पूरे छींटे लगा दिए जाते हैं, तो ये हो जाता है ऐपन। और पूजा का जितना भी प्रिपरेशन है सब सारी पूजा मतलब यहीं पे कर ली जाती है, वो सारा जो मैंने आपको भी दिखाया था। और फिर ये दही और कच्चे चावल होते हैं पसाड़ी के चावल, तो उनको 6 मेरा हिस्सा मतलब कि मेरे बेटे का हिस्सा, और 6 माता रानी का हिस्सा, और 6 मैं अपने लिए, नहीं 6 मेरा हिस्सा और 6 माता रानी के लिए। मेरा हिस्सा मतलब कि उनको मैं खाऊंगी, और माता रानी वाला जो होगा वो मेरा बेटा या तो खा सकता है या तो फिर हम लोग गाय को दे देते हैं, और मुझे तो इतना पसंद है ना कि मैं 6 अपना भी खा जाती हूँ, 6 बेटे वाला भी कोशिश करती हूँ कि खा लूँ, लेकिन वो खाना नहीं चाहिए तो इसलिए छोड़ देती हूँ। फिर वहाँ पे सारी पूजा वगैरह करने के बाद यहाँ पे जो सागर हमने बनाया था उसका सारा सेम रिचुअल से उसका भी सब करना होता है। तो यहाँ पे पानी भी भर देते हैं, वो ज्ञानू ने ये वाला वीडियो बनाया था तो वो अच्छे से बना नहीं पाया, वो नीचे का दिखा नहीं पाया, तो इसमें पानी नीचे डाल दिया गया था जो तालाब टाइप बना था, तो उसी की पूजा करते हैं। बेसिकली इसमें ये होता है कि एक तालाब की पूजा करनी होती है, तो तालाब वो सारी पूजा किया जैसा कि हम लोगों ने उसका किया था, मतलब अंदर किया था माता रानी वाली, बस सेम वैसा ही पूजा किया, सिंदूर वगैरह सारी चीज़ें ली। और यहाँ पे भी ना गांठ लगाना होता है, जैसे अंदर जो सरपत गड़ा था उसकी गांठ लगाई गई थी, तो 5 मैंने वहाँ पे लगा दी थी, 2 मैंने यहाँ पे लगा दी थी, और फिर उसके बाद जो पानी भरा हुआ होता है उससे मतलब बच्चे का अपने बच्चे का मुंह धो देते हैं, और माता रानी से प्रे करते हैं कि हमारे बच्चे को लंबी उम्र देना और हमेशा सुरक्षित रखना। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे होती है पूजा, आपके यहाँ कैसे होती है वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में।
और अगर आपको लगे कि कुछ इस पूजा में गलत है तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, मैं अप्रिशिएट करूँगी उसको। और ये देखो ये जो बनाया गया था ना उसको लास्ट में ज्ञानू नांग जाएगा, तो उससे पहले मतलब उससे पहले इसको कोई भी नांगता नहीं है। तो वहाँ से जब पूजा करके आए तो फिर ये जो दोने हमने भरे थे उसको मैंने और मम्मी ने खाए, बस ज्ञानू ने आशीर्वाद लिया मेरा और मेरे बाद मम्मी का। तो वो कह रहा था कि मैं दंडवत प्रणाम करूँगा क्योंकि आप मेरे लिए व्रत हो। और फिर मैंने मम्मी के पैर छुए, इस तरह हुआ वीडियो ख़त्म। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।